आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, सनलाइट है ही नहीं, शाम हो चुकी है और सनलाइट सनसेट हुए हुए लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, पौने घंटे हो चुके हैं। जी हाँ, मैं आपको टाइम डेट सब दिखाऊंगा। उससे पहले आपको सनलाइट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के सामने मैं आपको सनलाइट दिखाता हूँ कि सनलाइट जो है कि नहीं, रोशनी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख पाओगे, वहाँ पे आप देख पाओगे रेड एंड थोड़ा थोड़ा लाल आपको दिख रहा है ना। तो सनलाइट सनसेट हुए हुए लगभग आधे पौने घंटे हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको सन बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है, बस लाल थोड़ा सा दिख रहा है, वो भी बादल है इस वजह से वहाँ पे लाल लाल शो कर रहा है। आप देख पा रहे हो थोड़ा अंधेरा सा फील हो रहा है, शाम हो चुका है पूरा। तो उस कंडीशन में कितना यहाँ पे रोशनी देगा, कितना पावर देगा, वो चीज़ हम चेक करने वाले हैं सोलर पैनल के जरिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने कुछ इक्विपमेंट्स ले रखे हैं, यहाँ पे देख पाओगे लाइट वगैरह हमने ले रखा है। अब हम चेक करेंगे कि लाइट पे कितना रोशनी आता है कि नहीं आता है। पहले आपको मैं डेट एंड टाइम दिखा देता हूँ कि कितना। देखो यहाँ पे फोन रखा हुआ है, फोन पे मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, गूगल से टाइम आता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम जो हो रहा है 5:43, यानी 44 यहाँ पे हो गया, मतलब 5:44 यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। तो और आपको डेट दिखा दूँ कि डेट कितना हो रहा है, तो डेट यहाँ पे आप देख 18/3, मतलब 18 मार्च, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 18 मार्च जो है वो टाइम हो डेट हो चुका है, टाइम 5:44, मतलब 5:45 हो चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सोलर पैनल जो है कितना रोशनी देगा, क्या होगा, कितना पावर जनरेट करेगा, वो हम चेक करने वाले। तो यहाँ पे हमने एक लाइट ले रखा है, देखो ये डीसी लाइट है, इसी लाइट को हम जलाएंगे, देखेंगे जलता है कि नहीं। ये डीसी लाइट मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, 2.5 वाट का है, 12 वोल्ट से चलने वाला, और 12 वोल्ट से चलने वाला लाइट है, लेकिन इसको भी हम जलाएंगे सोलर पैनल 42 वोल्ट के पैनल से, लेकिन डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या किए, हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप लिया है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस क्रोकोडाइल क्लिप के जरिए यहाँ पे ये वायर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम जोड़ेंगे उस पैनल पे, फिर उसके बाद जो है हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक और हमने लिया है यूएस, देख पाओगे MC4 कनेक्टर का मेल कनेक्टर एंड वायर लगा दिया है। अब इसे जो हम लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, तो वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं जो कनेक्शन है वो दिखा दूंगा, उसके बाद जो है आगे का काम हम करेंगे। तो यही जो वायर है ब्लैक कलर का, तो इसे हम पैनल पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो एक लग गया, इसे हम यहाँ पे टेबल पे रख लेते हैं, इसे हम दिखाएंगे आपको। फिर दूसरा जो यहाँ क्रोकोडाइल क्लिप है, इसे हम लगाएंगे पैनल के बीच वाले जंक्शन बॉक्स में, क्योंकि हम जो वोल्टेज को कम करके यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा वोल्ट पे जो बल्ब है 12 वोल्ट का जो वो फ्यूज कर सकता है, इसलिए हम कम वोल्ट पे यूज करेंगे। हाँ वोल्टेज कम है, लेकिन एम्पेयर तो उतना ही होगा जितना एक पैनल से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कितना हमें मिलने वाला है। ये वाला क्रोकोडाइल क्लिप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरा वाला क्रोकोडाइल क्लिप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देन हम यहाँ वेट करेंगे और यहाँ पे मैं वायर रख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो हम देखें। पहले मैं वायर को होल्ड कर देता हूँ। देखो ये वाला बल्ब जो है, ये डीसी बल्ब हम डायरेक्टली इस वायर में जोड़ेंगे, ये जो वायर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे रोशनी कर रहा है कि नहीं, ये बल्ब जलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक वायर को क्या करते हैं, ये येलो वाले में यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम यहाँ कनेक्शन कर लिया हमने, दूसरा हम जो है यहाँ ब्लैक में कनेक्शन करेंगे, तो हमें देखना है कि चलता है कि नहीं। और ये देखो यहाँ पे रोशनी कर रहा है, ये बल्ब जो है वो जल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि बल्ब कैसे जल रहा है, देखो यहाँ पे देख पाओगे, देखो यहाँ नीचे से पता चलेगा आपको, दिख रहा है ना रोशनी, दिख रहा है यहाँ पे टेबल पे आप देख रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट कैमरे पर रोशनी पड़ने के बाद क्या तो अच्छा चमकने लगता है, इसलिए यहाँ पे वो धुंधला सा दिखने लगता है, इसलिए मैं आपको टेबल में दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे देखो मैं उठाता हूँ, फिर खोल रहा हूँ, देखो आप लगा रहा हूँ, अब आपको विजुअल होगा। यहाँ पे देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, तब उस कंडीशन में यहाँ पे देखो ये जो है बल्ब, देखो मेरे हाथ से पता चल रहा होगा, देखो मेरे हाथ पे रोशनी आ रहा है, मैं इसे लगा रहा हूँ, टच कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इस वायर में देख रहे हो, पूरा अंधेरा होने के बाद भी ये जो है सोलर पैनल से रोशनी दे पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाइट है बहुत कम लेता है। मैं इसका ट्रिक भी बता दूं, क्योंकि लाइट जो है बहुत कम एम्पेयर लेता है और सोलर पैनल जो उतना एम्पेयर जनरेट कर रहा होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है ये देखो बल्ब को वो जला पा रहा है। हमने देख लिया, प्रैक्टिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि सोलर पैनल पे देखो पूरा अंधेरा हो चुका है ना, ये जो है भी लाइट देखो धुंधला सा आपको ब्लर सा दिखेगा, इस वजह से भी यहाँ पे आप फिर से टाइम देख लो, देखो यहाँ पे 48 हो गया, मतलब 4 मिनट हुए हमें तभी से मुझे ये काम करते हुए, 44 से मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देख पाओगे 5:44
48 मिनट यहाँ पे हो चुका है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना था मुझे कि सनलाइट जब बिल्कुल ना रहे और सनलाइट गए हुए लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, 5 बजे के आसपास, 5:10 के आसपास, 5:10 के आसपास जो है सनलाइट गया था, तो सनसेट हुआ था उसके बाद से यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली देखो हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर रोशनी आप देख पा रहे हो कि रोशनी हो रहा है बल्ब के जरिए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये प्रैक्टिकल करना था, आपको दिखाना था, वो दिखा दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नया प्रैक्टिकल से। तब तक के लिए टेक केयर।